एक शोरूम से तो बाहर आ चुके हैं, अब दूसरे में अंदर जाना है। तो अब लेट्स सी, उम्मीद ये है कि यहाँ कुछ मिल जाए। अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ना, घर चलेंगे। एक और जगह क्या है बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय ब्लेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आज फिर से एक नई सुबह और मैं अभी चंडीगढ़ में ही हूँ। आगे आगे क्या होना है वो इस ब्लॉग में मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले लग चुका है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बनाया देवर जी ने। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया बनाया है, दो टाइप के परांठे, आलू और गोभी, तो मतलब मजा आएगा आपको। और ये होती है सेवा। भाई के घर आए, भाई ने फुल सेवा की है भैया और भाभी की, और बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल है। जब ये शिमला आते हैं तो हम करते हैं, तो अब हम इधर आए तो इनकी बारी है। काफी मजा आ रहा है और ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आज हम ना जाएं, और लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। भाभी जी मान लिए, भाभी जी मतलब सुबह उठना नहीं चाह रहे कि वही सुबह 6 बजे उठ के मैं निकलू यहाँ से शिमला। हाँ। बाकी हम देखते हैं मान पाते भाभी की नहीं, खाने के बाद चेंज हो जाता है। खाना खाने के बाद क्या पता एनर्जी आ जाए और डिसीजन बदल जाए। अभी नेहा का एक और काम भी है, वो भी हम करेंगे, वो एक प्रॉमिस है, हम जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम्हें ये देख के काम कर रहे हो तुम। नाइस। काम ने तो किया नहीं, मेरे को तो करना पड़ेगा। तो आपको ही करना पड़ेगा ना काम, तो मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। कोई कुछ तो किया मैंने सुबह से। आपने अंजना की हेल्प करी, इनफैक्ट मैंने मनी के लिए ब्रेकफास्ट उसी ने बनाया, वैसे थोड़े से बर्तन। तो ऑलरेडी तो उतना ही काम था ना, फिर 3-4 लोग लगे रहते हैं कि काम में क्या फायदा था। पहले वैसे ही थे हम। हाँ, काम चोर। सुबह सुबह हो चुकी है लड़ाई दो गुटों में, वो दिल लग जाएगी इसके सर में। तो कितना टाइम लगेगा यार, कब से वेट कर रहा हूँ। तो रेडी हो गई हूँ, अब अंजना और द्रो। तो अब तुम्हारा आउटफिट ये आज का? नहीं, अभी मैं टी-शर्ट चेंज करके चेक करूंगी, पर अगर ब्लैक मैं घर ज्यादा वो लगती है ना, तो उसमें ज्यादा। अभी मतलब अभी ट्रायल चला हुआ है यार, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो अक्षय आप 5 मिनट रेडी हो गए, तभी मैं सबसे एंड में होता। मैं बोलता हूँ मैं सबसे एंड में तैयार हूँ, और मैं पहले तैयार होकर टाइम लगता है। मुझे याद है आपने आपका जो का ब्लॉग था जिसमें आपने क्या बोला था, लड़कियों को 1 घंटे पहले तैयार होने के लिए। तो मैं 1 घंटे पहले से ही बोल रहा हूँ, पर मैं खुद तैयार हो गया और ये सब अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो एक ये तो 3 घंटे ले लिए ना। चलो ठीक है, ठीक। तुमने अपनी टी शर्ट क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि मुझे ये वाली याद आती है। और ये मेरी चोरी हो गई है भाई, एक टी शर्ट चोरी हो गई है। तो तुम ये बताओ, तुम्हें वो ब्लैक अच्छी लग रही थी, फिर ये क्यों पहना? मैचिंग मैचिंग। और नेहा ने मेरी सारी टी शर्ट्स जो है ना ले लिए, कब्जा कर दिया सब टी शर्ट्स पे। आपका मेरा मेरा आपका, आप मेरी सारी चीजें ले जाओ, मेरे को आएगी नहीं ना तुम्हारी। कॉलेज टाइम में हमेशा मैंने टी शर्ट ही पहनती, उनको लूज टी शर्ट्स पहनना पसंद है। इनफैक्ट याद है मुझे, मैं अपने भाई की ना चोरी कर गई हूं। तुम मेरे को अब शर्ट्स लेनी पड़ेगी ज्यादा, इसका मतलब। हां, बाकी जो टी शर्ट्स है सारी मुझे दे दो। नहीं नहीं, वो तो मैं ही रखूंगा ना, मैं अब शॉपिंग में शर्ट्स ज्यादा लिया करूंगा। तो अब हम लोग हो चुके हैं तैयार। हाँ। और अब पहले गर्ल्स तुम ये बता दो, जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं अपना लुक चेंज करने। नेहा को कल सलून में मजा नहीं आया, तो इन दोनों ने अब एक और प्लान बना दिया। मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अंजना को बोला तू भी कुछ अपना चेंज। मुझे और ध्रुव को लूटने का एक और प्लान बना दिया। खुद पे करोगे? यस यस यस। ये ध्रुव ये बात याद रखियो, क्योंकि इसने कटिंग ही करवानी है ना, तो सस्ता होना है। आपको शॉपिंग करवाती हूँ, मैंने नहीं बोली ये बात, अभी कसम खाया। किसको करनी है शॉपिंग? बोली ना मैंने, मैं आज मैं शॉपिंग करवाती हूँ आपको। बोली है बस, पर तेरे को शॉपिंग करवा दी है वो मेरे पैसे। भाई देखो ये बात ध्यान रखना नेहा, कि तुम खुद पे कर रहे हो, अंजना ने बोला तुम दोनों खुद पे कर रहे हो। नहीं, नहीं, अंजना की सिर्फ कटिंग है। हाँ, इनका मेरी कैरेटीन है भाई, मेरा पैसा ज्यादा लगेगा। अपकमिंग ब्राइड यार, तो इनको बहुत कुछ करवाना है अभी। हाँ, धीरे धीरे करके। शाबाश, गुड। चलो तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करवाती है लड़कियाँ। हम क्या करेंगे तब तक यार, आप हमारा वेट करोगे? ये बड़ा गलत काम है, ध्रुव की गाड़ी में ही जाएंगे हम लोग। HP नंबर को हम थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, पंजाब वाली में चलेंगे। धोई नहीं है, बारिश से धुल गई मेरी। तो भाई एक चीज बताओ,
तुम वो जो यूट्यूबर्स है उनके सलून जा रहे, एक कौन है जिसने खोला वीआईपी रोड पे, एक शिवानी का है, एक शिवानी कौन नहीं, हाँ हम उनके नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मास्टर्स के। अच्छा जहाँ हम गए थे, मतलब जो तुमने बताया था जहाँ जाने को, यार वो हमारा परमानेंट है नक्शे में, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव है हेयर गार्डन। अच्छा एक्सपेंसिव है वो, बहुत ज्यादा। मैं वहाँ ना जब मैंने अपना प्री ब्राइडल करवाना था ना, तो मैं यहाँ हर सलून गई हूँ, हेयर गार्डन ने मतलब बहुत एक्सपेंसिव रेट लगाए थे, तो इतनी मुझे सर्विसेज लगती भी नहीं उनकी। हेयर गार्डन ही रहा उधर देखो पीछे। अच्छा उस इस तरफ को। अच्छा अच्छा ये है वो सलून। तो आपने भी मास्टर सलीम जाना होगा, हाँ, जहाँ कल गए थे। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। ठीक है भाई, मिलते हैं तुम लोगों से 10-15 मिनट बाद। कोशिश यही करेंगे हम जल्दी आए। तो हम वापस फिर से मास्टर सलीम आ चुके हैं, अब देखेंगे हम तुम्हारा क्या बनता है, क्या करवाते हो तुम। ठीक है बाय बाय। मैं और ध्रुव अभी वापस आए, हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छा एक राउंड मारा, और ध्रुव को थोड़ा सा काम है वो भी हमने किया, और अभी हम वापस इसलिए आए क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लगना था और वहाँ बैठने का सलून में मज़ा नहीं आना था, तो हमने सोचा कि फ़िलहाल हम तब तक यहाँ पे बैठ जाएंगे और जब वो फ्री होंगे तो उनको लेने जाएंगे। अभी तो काफ़ी ही टाइम बाकी है, तो सोचा तब तक रेस्ट भी कर लेंगे अपना। यस सर, मुझे दे सकते हो आप कुछ साथ में? तो ये आया है ध्रुव के शादी से रिलेटेड, ऐसे को पकड़ता हूँ, एल्बम्स ये शादी से रिलेटेड एल्बम्स ये हम नहीं दिखाएंगे, ये ध्रुव खुद दिखाएगा। और कुछ फ्रेम्स आए हैं जो अब जाके आए, काफी टाइम हो गया वैसे तो, 4-5 महीने शादियां होगी नहीं, दूसरी दो शादी, तीसरी शादी भी आया, मतलब एक तेरे शादी के बाद एक शादी हो गई और एक और आने वाली है। यार एक्चुअली क्या बताया, अब हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ एक हिसाब से हमने कितना ट्रस्ट करा, कितना वेट करा। हाँ चलो बाद में, पर चलो ध्रुव अपने व्लॉग में बताएगा जो भी है जैसा भी है, तो अभी इसको देख लेंगे ऊपर जाके कैसी है। तो हम लोग इंटरवल के बाद वापस आ चुके हैं, अभी तक वो लोग फ्री नहीं हुए, और मुझे यहाँ से कोई दिखाई दे रहा है शीशे में, ये है अंजना। अच्छा ये यहाँ से देख रहे हमें, और अंजना तो फ्री हो चुकी है, और नेहा का शायद अभी काम थोड़ा बहुत चल रहा है, दिख रहा है देख सामने। तो मुझे सलून में ही आना पड़ा नेहा को देखने। तो अब एक चीज़ बताओ, हाँ क्या बात है, आपने कहा था आपको आधा एक घंटा लगेगा, तो यहाँ तो 2-3 घंटे हो चुके हैं, तो इस हिसाब से फिर शिमला जाना भी कैंसिल हो गया आज। ये वीडियो मैं दादी को ज़रूर दिखाऊंगा, फिर पता चलेगा लेट किसकी वजह से हुआ। और आज फिर से भाई को थैंक यू सो मच, आज फिर से नेहा की सेवा में भाई हाजिर है। अच्छे लग रहे हैं बाल आपके, कितना टाइम लगेगा और? 7 मिनट। और जब मैंने आपसे पूछा कितना मिनट लगेगा, बोले हम फ्री हो गए। इस टाइम नेहा का हो रहा है कटिंग विद व्यू, यहाँ से एकदम नीचे पार्किंग दिखाई देती है, इन्होंने यहीं से देख लिया था कि हम लोग आ चुके हैं, तो ये देखिए कितना सारा पार्किंग स्पेस है। क्या हो गया हम लोग? हाँ घर, तो आप देख नहीं रहे मैंने स्पेक्स पहन लिए। अब शाम हो चुकी थी, मैंने कहा वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट्स बेटर स्पेक्स पहन लो। अंजना और ध्रुव निकल चुके हैं सलून से बाहर, और ये देखिए ये जा रहे हैं, अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये इनको याद ही नहीं है कि यहाँ से दिखाई भी देता है। अब इनको भी थोड़ा सा शूट करना होगा, क्योंकि आज ध्रुव और मेरा दोनों का शूट है, तो धीरे धीरे से जिस तरह से हम शूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ध्रुव को पकड़ा दिया अंजना ने बैग। अब अब अंजना ने देख लिया, हाय हाय। अच्छा रील बन रही है, अच्छा अच्छा। तो नेहा के फाइनल हेयर्स हो चुके हैं, और ये है आउटकम, वाह। अब आप टर्न कर सकते हो। तो क्या कहना चाहोगे आपका एक्सपीरियंस अबाउट बाल? आई किसी और काम से थी और कल घूम रही हूं, पर चलो चेंज जरूरी होता है, वैसे भी मैं हर 6 मंथ या हाँ 7 मंथ में कुछ ना कुछ बालों के साथ करती रहती हूँ। तो कैसा लगा आपको? अच्छा, भाई को आप क्या रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? 10? अरे क्या बात है, और अच्छे लग रहे हो, और किसी को भी करवा मास्टर स्लिम जरूर आए।
तो अभी हम लोग जीरकपुर में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आए हैं। ये पूरी स्ट्रीट आप जो यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ से चली जा रही है, ये आगे तक एक है और इसके अंदर भी कुछ है। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ तो सोचा कि क्यों ना देखा जाए क्या खुला है, और नया लेटेस्ट खुला है। अगर आप भी आते हो तो आप भी आनंद ले सकते हो उसका। मुझे भी नहीं आइडिया कि अंदर क्या होगा, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ध्यान से गाइस, ध्यान से गाड़ी देख के, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अंजना कब से बोल रही थी चलो चलो चलो, और सही में अच्छी चीज़ है कि हम लोग आगे, इट्स लाइक अमेजिंग ब्यूटीफुल अंदर से। सामने मुझे यहाँ पे एक फूड कोर्ट दिखाई दे रहा है और भूख भी सबको लगी होगी, क्यों गाइस? भूख लगी है अगर हाँ जिधर भी चलना है पहले अंदर देख लेते एक बार। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आसपास में जो है शॉप्स है, और इधर को भी काफ़ी ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है अंदर से। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है कि अंदर क्या क्या होगा। तो अभी हम लोग फूड कोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और फूड कोर्ट से सामने इस तरह से दिखाई देता है। अभी तक मैं आपको उस तरफ से इस तरफ को दिखा रहा था, अब मैं इस साइड से उस साइड को दिखा रहा हूँ। और बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हाईवे, और अभी फूड कोर्ट का कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे देखिए आपको जो कुछ भी खाना है, हर तरह की वेराइटीज़ है, आपको जिस कॉर्नर से जो कुछ लेना है आप यहाँ पे बीच में आके अपने खाने का ऑर्डर लेके यहाँ बीच में बैठ सकते हो, इधर उधर से जहाँ से भी आपको कुछ भी खाना है। और अभी ध्रुव और अंजना पता नहीं कहाँ चले गए, ये सब आगे चले गए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत बना है यार, ये इंटरकनेक्टेड है अंदर ही अंदर, और हर एक एरिया को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और वाओ, लग रहा है कि हम चंडीगढ़ में नहीं कहीं फॉरेन में घूम गए, दिस इज़ क्वाइट ऑसम। वाओ वाओ, ये देखिए एक कॉर्नर इस साइड है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ खाने की चीज़ें हैं और स्पेस बैठने का। और हाँ जी सर, क्या डिसाइड हुआ क्या खाओगे? कुछ ये तो रील बोल रही है बनाने को, मैं कहा पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो रील भी बना लो, पर ऑर्डर भी कर लेते हैं ना साथ में, क्या खाना है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ पे रील की तैयारी हो रही है या सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। ये देखो शक्ति से उड़ाया जा रहा है एक दूसरे को, पर जो भी कॉन्सेप्ट होगा काफ़ी अलग होगा। देखिए ये वन रील की तैयारी, गुड। एक चीज़ तो है जो आजकल की जनरेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक चीज़ें करते हैं। अगर पहले कभी हम लोगों को इस तरह से कहीं पे ओपनली कुछ करना पड़ता था तो काफ़ी डर लगता था, और ऐसे भी लगता था कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। बट अब मैं देखता हूँ कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बच्चों में, और कहीं पे भी कुछ भी रील्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के। हाँ, बहुत दम लगता है। अगर अभी आपको भी कुछ करना है ना तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि मैं कैसे करूं? अभी मैं करने जा रही हूं। अच्छा, बना रहे हो आप रील्स? कैमरा रेडी है। हाँ चलो बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। हाँ जी, तो रील के लिए तैयार हो? हाँ ठीक है करो आप। 3, 2, 1 हाँ हाँ, अंजना की रील्स क्या हो गया, गाना नहीं चला? अगर अंजना की रील्स देखनी है तो अंजना के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाए, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएगी कौन सी नई रील बना रही है। तो आप लोग बताओ पास्ता कैसा है? बहुत अच्छा पास्ता है नेहा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने ही बनाया और हमने एकदम उससे ही खा रहे डायरेक्ट। तुम भी खाओ। हाँ आप खाओ पहले, टेस्ट करो ना यार, देखो टेस्ट कैसा लग रहा है, टेस्ट करके देखो यार। हाँ कैसा लगा? हाँ मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मन नहीं, ज्यादा खाया नहीं जा रहा। हाँ उसका वाइट पास्ता यम है, और ये पास्ता बहुत, मैंने खाया इसके साथ वो ना काफी अच्छा था। उनका पिज्जा भी अच्छा है, नहीं मतलब वाइट पास्ता, पर मेरे को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा यार। अगर खाने की बात की जाए तो अभी नया नया खुला है, तो अभी इतना सेटअप नहीं है खाने का कुछ अच्छा, मतलब हमने एक ही जगह ट्राई किया वहीं से समझ में आ गया कि बाकियों का भी सेम ही होगा। नहीं हो सकता है, जरूरी आने वाले टाइम में। हाँ। क्योंकि अभी ये नया नया खुला है, और इस तरफ को देखो ये वाला ब्लॉक तो अभी तैयार ही होने को है, बाकी सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं, ये वाला ब्लॉक कंप्लीटेड है, इसमें कुछ शोरूम्स खाले बाकी चढ़ चुके सारे। ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, और ये फूड कोर्ट है, ये सारा अभी ओपन हो चुका है, पर इसमें थोड़ी थोड़ी शॉप्स खाली है। तो हाँ जी, खाने के आए थे, बाकी कुछ करने नहीं आए थे। यहाँ पे गेम्स भी है बच्चों के लिए यहाँ पे, पर अगर आपने कुछ ऐसा करना है ये स्काई जंपर वगैरह, वो उस तरफ को है, देख लेते हैं। शॉपिंग चलना है? हाँ।
कहाँ जाना है शॉपिंग के लिए? अब अंजना ध्रुव जा रहे हैं आगे, इनसे पूछते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं। अरे यार शॉपिंग में फिर तुम लोग बहुत टाइम लगाओगे। अक्षय प्लीज यार बोरिंग मत बनो। कल हम वैसे ही चले जाएंगे, अभी घर पे कैसे बोलेंगे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आज हम नहीं आ रहे। बहुत सुनाएंगे कि उनको होता ही है कि जब भी मैं और नेहा घर से बाहर निकल जाते तो वो सोचते वापस कब आओगे तुम। शुक्र है कि नेहा जॉब करती है, अगर ये जॉब नहीं करती तो शायद लेट भी और लेट जाते हम यहाँ से, अपना फुल एंजॉय करके फिर निकलते। पर चलो काम भी जरूरी है, जॉब इज इम्पोर्टेंट। नहीं ठीक है, जॉब के साथ थोड़ा घूमना आउटिंग करना जरूरी है, वरना मेन तो नेहा का होता आउटिंग का। हम तो खैर आउटिंग ही आउटिंग कर रहे कब से। गाँव जाना पड़ता है, गाँव जाना पड़ता है क्योंकि घर वालों को भी देखना होता है, दादी को भी देखना होता है। तो चलो जैसा जैसा होगा सारे काम करेंगे, अभी चलते कहाँगे। यहाँ से बाहर निकले तो ध्रुव अंजना पहुँच चुके हैं शॉपिंग के लिए इसी के एक ब्लॉक में जो आउटसाइड है, जो सड़क की तरफ को फेस है उस वाले में। यहाँ पे पेंटलून है, अब पता नहीं क्या लेना होगा। और एक जूडियो है आगे। अच्छा अच्छा यहाँ पे शॉपिंग करनी है तुम लोगों को। चलो यार चलो देखो, वैसे अभी आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ लेटेस्ट आया होगा क्योंकि समर्स अब आ ही रही है ना, तो अभी विंटर्स का ऑफ लगा होगा। चलो मुझे नहीं लगता आज कुछ मिलने वाला है किसी को। एक शोरूम से तो बाहर आ चुके हैं, अब दूसरे में अंदर जाना है, तो अब लेट्स सी। उम्मीद ये है कि यहाँ कुछ मिल जाए, अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ना घर चलेंगे। एक और जगह क्या है रिलायंस स्टोर से भी थोड़ा सा सामान हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा सा और खाने का मन कर रहा था तो थोड़ा खाने का भी ले लिया। वहाँ पे अच्छा नहीं था यार, थोड़ा ही वो पास था तो मज़ा नहीं आया खाने का। तो अब अंजना यहाँ पे रुक गई है, यहाँ इसने लोगों को पीछे रोक दिया अपने। अब अंजना से स्टेप नहीं टिकाया जा रहा था, इसमें असलियत तो ये थी। अच्छा ध्रुव को अपने फ़ोन की टेंशन है। तो फाइनली घर पहुंच गए काफ़ी टायर्ड। तो अंजना की लुक वाओ, अंजना नाइस यार। दोनों ने सोचा कि मौका अच्छा है तो बाल छोटे करा दिए जाए, बहाना भी है पर अच्छा लग रहा है यार, दोनों का कट हेयर कट अच्छा लग रहा है। देख ये देखो दोनों बहनों का हेयर कट हो चुका है, आप नेहा और अंजना का हेयर कट। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो मैं आप सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ही खत्म करता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा शूट भी हो गया है और आज पता ही नहीं चला। आज हमने सोचा था कि शाम के टाइम को घर को निकलेंगे शिमला जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि नेहा के बालों में लग गया काफी ज्यादा टाइम। मोस्ट प्रॉब्ली तो कल का दिन भी हमें यहाँ पे रुकना था क्योंकि कल भी इसके बाल में थोड़ा सा काम होना था, बट अब जितना हो गया उतना ही करेंगे क्योंकि सुबह है नेहा का ऑफिस, तो हम सोच रहे कि सुबह सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से 6-7 बजे ताकि हम 10 बजे को शिमला पहुंच के इसको ऑफिस छोड़ दूं और मैं बाकी अपने काम करूं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।